आप लोग शांति बना कर रखें, आप लोगों का अपना जो पीसफुल धरना है वो तिरंगा पार्क में यहाँ तक का यहाँ तक कर तिरंगा पार्क में करें। क्या बोला? तिरंगा पार्क जो है तिरंगा पार्क वही पे सभी अमीर ही आएगा, फिर बैठ जाएगा, उस बॉस को बोल दे जाके यही करेगा या तंग करेगा तो हंगामा कर देगा। बॉस को बोल देना अन्ना जमीन खरीदना नहीं है, संजय कुमार यहाँ बैठेगा, ठीक है, ऐश कर लेना, तिरंगा पार्क नहीं जगह है, ओपन जगह है, बॉस को बोल देना यहीं जाएगा बैठेगा, फिर पहुँचा जाएगा हम लोग डिमांड देने के लिए। तिरंगा क्यों जाएगा? आपकी बहन जी ने जो जाना चाहेगा उनको मैं अलाउ करवा दूंगा। हम इधर आए सभी को, हम इधर पल छोड़ दे, तो सुन ले, जानता मैं भी है, दस लोग जाएगा बोल दिया, वो पांच बड़ा दस जाएगा, इधर आएगा आज तिरंगा पार्क बोलेगा ना, तिरंगा बोल दे एक बार, तेरा भी पालन चाहूँगा हम पक्का बोलता, तिरंगा पार्क कौन सा भैया इधर धंधा करने के लिए, धंधा मैं भी किया, तुम था पुलिस में है ना, बहुत तेज पुलिस था, वो को आता था बहुत पन्ना जर किया मंदिर। एक्वास्टार नहीं है क्या? घर या ये एक्वास्टार ये पीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ रोहित। आप सभी को पता है आज अंडमान बंद का आह्वान जो है हमारे एकमात्र सांसद विष्णुपद राय जी जो द्वारा जो है किया गया, जिसको लेकर काफ़ी लोग जो है समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग जो है अपोज भी कर रहे हैं। हम आपको कुछ विजुअल दिखाएंगे, हमारे मेन जो अबड़ीन बाज़ार है वहाँ पर काफ़ी शॉप्स ने जो है समर्थन किए और इवन रोड पर अबड़ीन बाज़ार हो या पीएस पाड़गा हो, हर जगह की पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है, पुलिस जो है फ्लैग मार्च कर रही है हर जगह जो है, ताकि इस अंडमान बंद को लेकर कुछ दंगा फसाद ना हो। और इस विषय को लेकर हम जो है राजनिवास का वहाँ का आपको विजुअल दिखाएंगे, वहाँ पर जो है डबल बैरिकेड लगाया गया है और उसके जस्ट बगल जो प्रजा निवास है जहाँ पर हमारे एकमात्र सांसद विष्णु जी का ऑफिस है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग एकत्रित हैं और उसके समर्थक भी जो है वहाँ पर आ गए हैं। अभी जो है जस्ट ये स्टार्ट ही हुआ है और काफी भीड़ जो है हमें देखने को मिल रही है। लड़ाई में आए हैं, आज महाभारत का पहला दिन है अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए। जो व्यक्ति आया अपना नाम वार्ड नंबर फोन नंबर देना, उसके बाद मैं फोटो लूंगा, ये रिकॉर्ड महाभारत में रहेगा। आज का महाभारत में कौन कौन आए, उस महाभारत को जरूरत है, क्या बोला, रिकॉर्ड मुझे जरूरत है, कौन महाभारत में रहेगा और कौन महाभारत में आए नहीं, इतिहास अंडमान को जरूरत है और आपको खास करके जरूरत है, काइंडली साइन करके सब लोग फोटो खींचे। और इस विषय को लेकर जो है हमने एमपी साहब के रिप्रेजेंटेटिव जो अंशुमन रॉय जी है उनसे भी हमने जो है वार्तालाप की। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जैसे कि हम लोग तय किए थे कि 8 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है हम लोग अंडमान बंद रखेंगे, तो उसी सिलसिले में जो है आज हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और काफ़ी जो है एसोसिएशंस, प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, और टूरिज्म सेक्टर से बहुत सपोर्ट मिल रहा है और जनरल पब्लिक तो मतलब सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मतलब अभी इकट्ठा हो रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग जो भी लाइन ऑफ प्लानिंग है वो हम लोग करेंगे। और रही बात आज का जो बंद का विषय का, ये तो आपको सभी को मालूम है कि हम एलजी से बहुत ही खफा हैं और एलजी का जो रवैया रहता है हमारे आइलैंडर्स के ऊपर, खास करके आप सोचिए जो एकमात्र एमपी है जो हमारा अंडमान एंड निकोबार का रिप्रेजेंटेटिव है आपका पार्लियामेंट में, उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, तो आप हम ये सोच सकते हैं कि कैसा मानसिकता के साथ में ये अपना काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लेस है, कुछ नहीं है, तुच्छ है,
उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको अपना कार खरीदना, उनको अपना फिशिंग हॉबी पूरा करना, अपना जो है बैकयार्ड्स, फ्रंट यार्ड, अपना बंगलों का जो है करोड़ों रुपया से मॉडिफाई कराना, ठीक है। अभी आप सोचिए अंडमान निकोबार में गोल्फ ग्राउंड का क्या ज़रूरत है। और रही बात कि उनका शौक का, उनका शौक ही अंडमान में पूरा हो रहा है, बाकी जो अंडमान का जो मतलब बेसिक काम है, आप सोचिए एक एलजी क्या यहाँ पे सिटी में रोड का हालत क्या हो गया है, जंगली घाट का रोड का हालत क्या हो गया है, आपका स्कूल लाइन का रोड का हालत क्या हो गया है, डेयरी फार्म का हालत क्या है, तो ये सब क्या ये एक ऑर्डर में ठीक नहीं कर सकते हैं। यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है, जो भी खामियां है, जो भी जनरेटर्स है, इतना साल लगा है और उनको शर्म आना चाहिए, जबकि वो सबसे ज्यादा टेन्योर वाला एलजी यहाँ का बन चुके हैं, 8 साल अभी यहाँ में राज कर रहा है। तो देखिए सर, ज्यादा समय ना लेंगे क्योंकि देखिए हमें भी बैक टू बैक जो है कवर करना है। इन शॉर्ट आज को लेकर जनता के लिए कोई संदेश? बिल्कुल, देखिए ये आप ही के लिए है, ये हम लोग यहाँ पे जो भी एजिटेशन कर रहे हैं ये पर्टिकुलरली मेरा या एमपी का या फिर यहाँ पे लीडर्स का नहीं है या फिर यहाँ पे जो आए हैं उनका पर्सनल नहीं है, ये पूरा आइलैंड के लिए है। अगर आपका भविष्य, आपका आने वाला जनरेशन के लिए अच्छा उम्दा फैसिलिटीज अंडमान एंड निकोबार में चाहते हैं, भले वो हेल्थ सेक्टर हो जाए, भले वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, रोड हो जाए, कुछ भी हो, यहाँ पे आपका एक अच्छा जो एलजी यहाँ पे आना है, जो जेन्युइनली जो है हमारे लिए काम करे। थैंक यू सर।